हमने जलियांवाला बाग में अपनों को खोया है।
और आज भी देश के लिए शहीदियां देते आ रहे हैं। अब बस करो, तुम्हारे ये ही हाल देख के आज भारत को खुदकुशी करनी पड़ रही है। आज ना जाने एक भारत में कितने भारत बन चुके हैं। कितने भारत, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है आज भारत में ऊंच नीच जात पात धर्म के मामलों में आप फंसे रहते हैं। आप लोग ये नहीं सोचते, आप भूल चुके हैं कि आप सिर्फ एक भारतीय हैं और आपको सभी प्रकार के अधिकार मिले हैं। उसके साथ साथ आपका अपना कर्तव्य भी है। आप खुद को अपनी पहचान को भूल चुके हैं। क्या मैं आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ, ये सुविचार किस महान व्यक्ति के थे, किसने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाया है? क्या बता सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बैठे आप लोग बता सकते हैं किसने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन्होंने इस देश को एक करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया। जब ये देश आजाद हो रहा था तो भारत और पाकिस्तान में तो बट ही रहा था, लेकिन उस समय ये भी डर था कि 560 वो रियासतें जिन पर राजा राज करते हैं वो इस भारत में विलय करेंगे नहीं और हमारा भारत खंड खंड रह जाएगा। उस समय सरदार पटेल ने खुद जाकर इन रियासतों से बात की और कई तो समझदारी से मान भी गए, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी वो रियासतें भी थी जो नहीं मानी और उनके खिलाफ सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो जैसे सख्त कदम भी उठाए हैं, सख्त कड़े और स्पष्ट वाले। ऐसे ही तो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसीलिए तो हम उन्हें कहते हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया।
की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। हम सभी संकल्प रंग मंडल से हैं और SNA के साथ में हमने आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा नाटक पेश किया है, जिससे कि हम लोगों को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भी जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में हम उनको बता सकें और सबको जागरूक कर सकें। सोहन कपूर है, मैं संकल्प रंग मंडल का एक रंगकर्मी हूँ और मेरी टीम जो यहाँ पे है, अभी हमने एक नुक्कड़ नाटिका यहाँ पर पेश की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन कथा पे थी। आप जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है और आज का दिन हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे बनाते हैं। ये भारत सरकार संस्कृत सरकार की तरफ से ये बनाया गया था, ये जो शो था इसके माध्यम से हम ये बता रहे थे कि आज जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो असूल थे, जिन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस देश के लिए किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने पूरी 565 रियासतों को जोड़ा, और आज हम देखते हैं कि आज भी हम सेम वैसे ही जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जहाँ पे उन्होंने भी दुख होता होगा कि ये भारत, जिस भारत के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी, वो भारत आज ऐसे फिर से भी भेदभाव में जी रहा है, तो उसी को हम अपने उससे नाटक के माध्यम से दिखाना चाहते थे। हमने अपने नाटक की थीम रखी थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, और वही हम हमने इसके दो शो किए, इससे पहले सेंट थॉमस स्कूल में किया और दूसरा शो हमने आज यहाँ पे किया। धन्यवाद। आगे भी कोई और कार्यक्रम हम आगे अभी अभी तो कोई नहीं है, इसके बाद हमारे कुछ नाटक होते रहेंगे गेटी रेपेटरी के साथ, और इसके बाद जो भी होता है हम ओपन गेटी में कोई नुक्कड़ नाटक करते ही रहते हैं।